गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम व्रत में प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सभी छात्र देख रहे हैं, प्रश्नावली 10.2 इसमें क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त ड्रा करेंगे और एक बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कौन सा है, Q, Q से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्लियर। और यह स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो इसको हम P मान लेते हैं और इसका केंद्र O है। यह त्रिज्या इस पर लंब होती है, सभी को पता है। और यह लंबाई हमको कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या R का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर दिया हुआ है आपका 25 स्क्वायर, ओपी स्क्वायर दिया हुआ है आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 24, 25 प्लस 24 इक्वल 1 इंटू 49। तो हम देखते हैं कि R इक्वल टू हो जाएगा रूट 49 इक्वल 7। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमको एक बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींचते हैं। तो हम देखते हैं जरा कि एक हमने वृत्त खींचा और एक बाह्य बिंदु T लिया, इससे इस पर दो बार स्पर्श रेखाएं खींची हमने। क्लियर। तो ये हो गया आपका TP और TQ और केंद्र O है, इसको हमने मिला दिया। तो हमको यह एंगल POQ इसका मान कितना दिया हुआ है, 110 अंश। क्लियर। तो हमको मालूम है कि कोण PTQ तथा कोण POQ संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, इसीलिए कोण PTQ प्लस कोण POQ इनका योग कितना होगा, 180 अंश। तो कोण PTQ इक्वल 180 माइनस कोण POQ, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 110 बराबर 70 अंश। तो आपका जो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 अंश, 70। तो यह आ जाएगा आपका 70। क्लियर। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु P से O केंद्र पर किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश का कोण बनाती है, तो हमको कोण POA ज्ञात करना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक वृत्त ड्रा करते हैं,
एक बाह्य बिंदु लेते हैं क्लियर जी, आपका है पी ए पी बी ठीक है, इनके बीच का कोण कितना दिया है 80 और यह ओ है ठीक है, इसको मिला दिया यह 90 अंश का कोण है। जब हमको पी ए बी कोण पी ए बी पी ओ ए इक्वल टू हम यहां देखते हैं कि कोण ए पी ओ कितना हो जाएगा हाफ 80 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 40 ठीक है। तो हमको किसका मान चाहिए कोण पी ओ ए, तो कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ए ओ प्लस कोण ए पी ओ तीनों का कोण कितना होता है 180 अंश, तो हमको चाहिए कोण पी पी ओ ए चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 180 और पी ए ओ कितना है 90, तो इसको 90 सबट्रैक्ट कर देंगे और ये कितना दिया हुआ है एपीओ 40, तो इसको सबट्रैक्ट करने पर हमको ये हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल 50, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 ठीक है, ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो हम यहां पर एक वृत्त खींचते हैं और इसकी एक क्या है दिया हुआ व्यास, ये कोण केंद्र है तो हमको पता है कि स्पर्श रेखा केंद्र से खींची गए स्पर्श बिंदु से इसके लंब होती है, तो ये 90 होगा और यह भी 90 है और यह 90 है तो यह भी 90 है, तो इसको हम अगर रेखा को एक्स वाई और इसको एल एम मान ले तो हम देखते हैं कि कोण एक्स ए ओ इक्वल कोण एम बी ओ कितना है 90, इसको क्या बोलते हैं हम एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए स्पर्श रेखा एक्स वाई समानांतर है स्पर्श रेखा एल एम के, क्लियर आगे समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें वही करेंगे कि आप एक वृत्त खींचेंगे, एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे, एक केंद्र को मिला देंगे और इसको मिला देंगे, ये ओ है और बाह्य बिंदु कौन सा है ए, तो इसको नाम दे देंगे बी, तो हमको केंद्र से 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और वृत्त की लंबाई कितनी दी है स्पर्श रेखा की 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे पाइथागोरस लगा देंगे प्रमेय से, क्या हो जाएगा ये 90 अंश का कोण होता है
AO का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AO स्क्वायर है 5 स्क्वायर, AB स्क्वायर है 4 स्क्वायर और ये R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 माइनस 4, 5 प्लस 4 इक्वल 1 इंटू 9 इक्वल 9। इसका मतलब R इक्वल टू रूट 9 इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका त्रिज्या आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी प्रकार से इसके और भी जो प्रश्न होंगे उनको सभी छात्र कर रहे हैं, और कई डाउट है तो फिर हमसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।